उल्टा हाथ से चलेगा। रुको रुको, मैं चला दूंगा, तो आप मत करो पटे। चल गया चल गया। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ कि मैं भी कुआ खोदने की सीखने के लिए आया हूँ, और जावे में बैठ के नीचे कुआ खोदूंगा और आपको बताऊंगा कि यार मेहनत की कमाई कैसे होती है। हम चाले बैठे गप्पे लगाते रहते हैं, फिशिंग फिशन करते रहते हैं, तो आज दूर रह गई। तो इसको ऐसे लगा देते हैं, और सर इसमें बैठ जाओ। अब मैं अब चलो धीरे 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 लगा दो तीन राउंड ऊपर। दोस्तों ये खोदने में यार बड़ा जोर आ रहा है इसको, तो यार बड़ा मुश्किल लग रहा है यार। दोस्तों ये है, ये खून पसीना की हार्ड मास की कमाई है ये, तो इसलिए कहते हैं ईमानदारी का पैसा ही फलता है, वो इसलिए फलता है। दोस्तों ये जो खून पसीना आप देख रहे हैं, मैंने अभी दो ही जेती बाई है, लेकिन है ना बताओ जो मेरी बॉडी के टांगे टाइट हो गए। हाँ अभी आप कभी कुएं खोदने जाना, और ये फोटो लेना, मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उसमें आ जाना चाबी में। यहाँ से मैं कभी कुआं पे चढ़ने की कोशिश तो करी नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में, हाँ वीडियो में, तो मैं इससे चढ़ा जाता है यार। दोस्तों मैं तो कुएं से बाहर आ गया, और ये डिपेंड करेगा आप पर, आप कुएं के अंदर जाना चाहते हो या बाहर। मैं तो बाहर ही ठीक हूँ। तो दोस्तों ये जो लेबर है और ये अब कुआं खोद रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यार मेहनत की कमाई जो आपने सुनी नहीं होगी ना, तो मेहनत की कमाई बता रहा हूँ दोस्तों आज आप, और ये होती है प्रॉपर मेहनत। ये जो अभी आपको बताते हैं भाई साहब, आपका क्या नाम है भाऊजी? मेरा नाम नवल सिंह। इनका नाम नवल सिंह, और आपका? इनका पप्पू जी, और आपका? हरी सिंह जी, और भगवान सिंह जी। तो दोस्तों बाबूजी ये जो कुआ खोदते हो आप दिन भर यार, इतनी भारी मेहनत करते हो आप इन फावड़ियों से, तो आपको कैसा लगता है दिन भर काम करने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो मतलब शाम को कुछ लेते होंगे, दवाई वाई लेते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो आपको ये जो ठेकेदार जी कितना पैसा देते हैं दिन भर के खोदने का? 300 रुपए। तो दोस्तों यार ये है कमाई, इसे बोलते हैं पसीने की। दिन भर ये गड्ढे खोदते हैं ना, जब जाके 300 रुपए आते हैं। हाँ बिल्कुल, आप यकीन नहीं कर सकते हो, और हम जो पैसों की कीमत ही नहीं समझते हैं यार, पता नहीं हजारों रुपए की जो है दारू पी जाते हैं, मुर्गे बकरे खा जाते हैं। तो यार भैया प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी किसी का शोषण नहीं करें, और ईमानदारी की हमें खाना चाहिए। और इस चीज का अनुभव मुझे नहीं था, लेकिन मैं खुद भी देख रहा हूँ कि यार पैसा कैसे कमने में आता है। तो भैया मेरा भी एक वीडियो बनाना आप प्लीज, इधर से पकड़ना, और मैं देखता हूँ कि देखा कितना जोर आता है। तो देख रहा हूँ यार, मुझे दो यार वो ठीक है ना सही है। अरे फोटो यार, तो दोस्तों ये खोदने में यार बड़ा जोर आ रहा है इसको, तो यार बड़ा मुश्किल लग रहा है यार। दोस्तों ये है, ये खून पसीना की हार्ड मास की कमाई है ये, तो इसलिए कहते हैं ईमानदारी का पैसा ही फलता है, वो इसलिए फलता है। दोस्तों ये जो खून पसीना आप देख रहे हैं, मैंने अभी दो ही जेती बाई है, लेकिन है ना बताओ जब मेरी बॉडी के टांगे टाइट हो गए। हाँ अभी आप कभी कुएं खोदने जाना, और ये सच में जो कमा के खाना बहुत कड़ा काम है, चोरी अंजाय बेईमानी से तो अपन खा सकते हैं, ये तो बहुत सीधा काम है दोस्तों। खैर अभी मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, अभी जस्ट इन बाबूजी ने बताया कि यार इतना कठिन काम है, तो आप देख सकते हैं दिन भर इतना मेहनत करने से
इतना सा पैसा मिलता 300 रुपए। हाँ ये 300 रुपए है दोस्तों स्वाभिमान इज्जत के। हाँ स्वाभिमान इज्जत के। और वैसे कमाना चाहे कोई भी पैसा तो अंडा इसे या बिना सम्मान के तो हम कितने पैसे कर सकते हैं, सॉरी 50 लाख भी कमा सकते हैं। और कोई इस तरह की कोई आदमी हो या औरत हो वो वैसे तो इतना ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यार ये जो मेहनत का पैसा है। तो आज के वीडियो में यार दोस्तों मेरी तो वाट लग गई यार 5 मिनट में, हाथ में कचरा गया। अरे भगवान ये काम से बचाया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। तो यार इस वीडियो में आज मैंने अनुभव किया कि यार मेहनत की जो कमाई है वो सच में बहुत इतनी रुको भाव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद यार कि आप क्या करें भाजी, आपने मुझे भी ये संदेश बताया कि वास्तव में कमा के खाना बहुत बड़ा काम है। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आप जो काम थोड़ा ढंग से करना, अभी मेरी आंख में कचरा गया होता मैंने जो ये जो करोती साहब। और इनको अनुभव है हर चीज का। तो ये था आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल मैं जो दोस्तों भैया मेरी एक फोटो लेना मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो उसमें आ जाना चाबी में। यहाँ से मैं कभी कुआं पे चढ़ने की कोशिश तो करी नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में हाँ वीडियो में जब मैं इससे चढ़ा जाता है कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यार दोस्तों मैं तो कुएं से बाहर आ गया, और ये डिपेंड करेगा आप पर, आप कुएं के अंदर जाना चाहते हो या बाहर। मैं तो बाहर ही ठीक हूँ। अब छोटो तू भी आ जाए यार, इस पे आ जाएगा। हाँ। यार मेरे साथ जाए तो डोली में आना, तो यार ऐसा करना डोली में बैठ के आ जाना ना। हाँ। आ जाएगा ना। हाँ। आ जाओ अब ठीक है ना, जब तक अंदर का वीडियो बोल लेता रहे तू काम तो पानी बहुत आएगा उस्ताद जी। हाँ मैंने इसे गेटी का लगाया, आपको याद रहूंगा मैं। व्हाट्सएप में आ जाएगा ये फोटो बिल्कुल, सब मीडिया देखेगा इसको यार। आप जो बोल जो भी बोलना हो आपको शब्दों को संदेश देना हो बोल दो आप इसको, भाई देख लो बेटा ये काम करना हो तो तुम्हारी मर्जी, और तुम नौकरी करके ऐसे करना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी। मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है ऐसे, अभी डिपेंड करेगा तुम पर। लगाओ बाबू जी भर गई नहीं ये वाली तो। हाँ तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं, ये सारा कॉल करके करोगे जट दो पड़े होगा। तो यार छोटो वो जैसे मोबाइल कम भेज दो तो आ जा रही है मुझे, मगर आ जाओ मोबाइल लचाल आ जा तू भाई, तारी कमर में बांध दे इन बंद कर दे वीडियो। कैसे ऑपरेट करते हैं पूरा बताते हैं। ये जो चौथा लगे ये भाई साहब देर लगा रहे हैं इससे, और वो वहां से देखो पुल्ली पे लो आप पुल्ली से ऐसे चढ़ेगा ये, और वो बंदा जो वो भी चढ़ेगा देखो, इसको एक जना धकोएगा, और यहाँ पे जो है कुआ खुद रहा है। तो आपको पूरी प्रोसेसिंग बता देते हैं। तो अभी ये कुआ खोदा ही है, और ये जा रही है पुली के अंदर, और ये वो पहुंच गए वहां पर, वो भाई साहब वहां पे खुदाई कर रहे हैं, वहां से जो डेरा इकट्ठा करके और वापस इसे खींचेंगे। तो वो भर गई जो उसको लगाओगे वो सब कुंदे ये इसको फांदो। आइए पड़ेगा बांधना।
ये देखो वैसे भर रहे हैं, अब वो उसको कैसे खींचेंगे वो सारी प्रोसेसिंग आपको बताते हैं अभी। हाँ अब ये यहाँ से ऑन कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, अरे धीरे धीरे भाई, मैं कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आ रही है मशीन से और ये सीधा जो है ऊपर से यहाँ से इसको धको करके और इधर से निकाल देते हैं। ये कुआं खोदने का देसी जुगाड़ है और ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं भाई साहब। बढ़िया चल रहा है इंजन तो। और ये एवरेज कितना दे देता है? एक लीटर में दिन भर चल जाता है, डेढ़ लीटर में। तो दोस्तों देखो, ये बहुत अच्छा जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है कुआं खोदने का, और बहुत कम समय में भी आप कुआं खोद सकते हो आराम से। इसको केवल दो जने ऑपरेट करते हैं, नीचे भरने वाले, और केवल ये चलाने वाला है।